नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा, विक्टेड पर स्वागत है। कैसे हो मेरे भाई? आप सभी तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आपको बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है सीआरपीएफ की तरफ से। आप पहले से तैयार हो, क्योंकि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि अचानक आपके पास झटका मिलेगा, फिर आपको थोड़ा संभलने का मौका नहीं मिलेगा कि ये क्या हो गया। ऐसा पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है जो सीआरपीएफ करने जा रही है। तो आप सभी तैयार हो जाओ मेरे भाई। टाइपिंग की तैयारी तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ एक तैयारी और शुरू कर दो, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर नोटिस अगर आपको चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल आप सभी को पता है कि 24 तारीख थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 तारीख को, 24 नवंबर को एक नोटिस आया। मैंने कहा था कि आपका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, एडमिट कार्ड जारी होने की पूरी तैयारी थी कल। मगर कल एक चेंजेस हो चुका, पूरे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसमें पूरा बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। वो बदलाव क्या है वो मैं बताता हूँ आप सभी को, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट ब्रांच, यहाँ से एक नोटिस वायरल हुआ जो यहाँ पर टोटल 33 सेंटर पे, मैं पहले आपको बता दूं कि 33 सेंटर पे आप सभी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। सेंटर कौन कौन से रहेंगे आप सभी के वो बता देता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको बता रखा है, मगर जो बहुत से बच्चों को विश्वास नहीं था, देखो विश्वास कर लो। मुजफ्फरपुर में, ठीक है, क्या है, मखम घाट में, ठीक है, प्रयागराज में आपका सेंटर होगा, लखनऊ में होगा, अमेठी में होगा, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। एक आपका चंदौली में, अजमेर वन, अजमेर टू आप सभी का दिल्ली में होने वाला है, सोनीपत, गुरुग्राम में होने वाला है। मैं आपको सारे सेंटर के नाम बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद भोपाल, फिर नीमच, ग्वालियर, दुर्गापुर, रामपुर और नागपुर हो गया, फिर रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, पिंजौर हो गया, फिर क्या है आपका रंगरेड्डी, फिर भुवनेश्वर आ गया, फिर बेंगलुरु आ गया, हैदराबाद आ गया, फिर क्या है आपको, मैं यहाँ साफ नहीं दिख रहा, फिलिपपुरम आ गया, फिर आबादी आ गया, फिर बिलासपुर आ गया, गांधीनगर आ गया, जम्मू आ गया, क्या गुवाहाटी आ गया, इम्फाल आ गया। ये आपके टोटल सेंटर बनने वाले हैं, टोटल 33 सेंटर आप सभी के बनने वाले हैं। जो सेंटर मैंने आपको बताया इसी सेंटर पे आप सभी के एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है? इन सभी एड्रेस का मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, जितने भी सेंटर सभी का मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, ठीक है? अगर आप यूपी वाले हो तो यूपी वालों का सेंटर कहाँ कहाँ बन सकता है मेरे भाई, बहुत सारी जगह बताया गया, जैसे प्रयागराज, लखनऊ, ठीक है, और अमेठी, ये तीन हो गया, और एक चार चंदौली। अगर आप बिहार से बिलोंग करते तो मुजफ्फरपुर और क्या है मखाम घाट जो भी है, मखाम घाट जो भी है। देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर बदलाव क्या हुआ है, अभी तक मैंने आप सभी को बताया था कि 4 दिसंबर से आप सभी की टाइपिंग शुरू होने वाली है, मगर सीआरपीएफ ने अपने हिस्ट्री बदलते हुए ये कर दिया है कि टाइपिंग के साथ साथ, ठीक है, टाइपिंग के साथ साथ वो पीएचटी, डीवी, डीएमई, आरएमई ये भी कंडक्ट कराएंगे मेरे भाई। आप सभी, कल ही बदलाव हुआ है तो एडमिट कार्ड इसीलिए कल नहीं है, कल बच्चे, मैंने बोला था कि कल कंफर्म है कि एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और आप सभी को पता है कि कल बहुत सारे नोटिस आए, एसएससी जीडी के भी आए, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का भी आया था, और सीआईएसएफ एससीएम का भी आया, आईटीपीपी का एडमिट कार्ड भी आया। तो कल फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन इस तरह से नोटिस आना या एडमिट कार्ड आना लाजमी होता आ जाता है, मगर कल इसी वजह से नहीं आया क्योंकि कल की डेट पर ही एक नोटिस आया कि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बदल दो, अब पीएचटी, डीवी, डीएमई, आरएमई और एक साथ कराओगे, साइमल्टेनियस कराओगे। किसके साथ कराओगे, यहां पर देखोगे तो आपके लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, कहां गया, यहां लिखा है एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पीएचटी, डीवी, डीएमई, आरएमई विल बी कंडक्ट टुगेदर विथ स्किल टेस्ट एट फॉलोइंग जीसी, यानी कि जो भी ग्रुप सेंटर है उनके साथ, मतलब कि आपका पीएचटी, डीवी, डीएमई, आरएमई सब कुछ आप सभी को तैयार करना है मेरे भाई। आप सभी जो आप लोग सोच रहे थे कि नहीं यार केवल टाइपिंग कर लेते हैं उसके बाद डीएमई पीएचटी होगा, हम भी ऐसा सोच रहे थे क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा बना हुआ था कि टाइपिंग कराने के बाद फिर ऐसा नेक्स्ट स्टेज आता था, मगर इस बार ऐसा नहीं है, सब कुछ एक साथ, सब कुछ एक साथ करा के फिर आपको फुर्सत, समझ रहे हो मेरे भाई, फिर उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा ज्वाइनिंग एक ही दिन। अब देखो कब से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बिहार का बता देता हूं, बिहार में जीसी मुजफ्फरपुर में देखो 4381 कैंडिडेट है, और यहां डेट कब से स्टार्ट हो रही है, 4/12/2023 से, ठीक है, पर डे यहां पर मैंने आप सभी को बताया था 420 कैंडिडेट। आपको मैं कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं देता भाई, आपको रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही इस चैनल में मिलती है। कल बहुत बच्चे बोलने लगे सर फालतू की वीडियो,
फालतू की वीडियो नहीं रहती मेरी कभी भी वीडियो, मेरी वीडियो सारी इंफॉर्मेटिव होती है और मेरे चैनल को जो फॉलो करता है मेरे भाई उसका सिलेक्शन 101% होता है अगर वो सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है, सही तरीके से मेरी चीजों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैं हर चीज समय से पहले आप सभी को बताता हूँ। तो ये मेरे भाई आप सभी तैयार रहो कि आप सभी का 4 तारीख से ही शुरू हो रहा है, उसके साथ अपना पीएचटी मतलब आप समझ ही रहे हो ना भाई कि वेट भी आप सभी को थोड़ा सा देख लेना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट भी देख लेना है, उसके बाद आपका मेडिकल तो होने ही वाला है, मेडिकल भी देख लेना मेरे भाई। तो ये सारी चीजें आप शुरू से स्टार्ट कर लो। देखो 4 तारीख से लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल डेट फॉर द स्किल टेस्ट, टेंटेटिव ही अभी लिखा हुआ है, ऐसे कंफर्म नहीं लिखा क्योंकि भाई ऑफिशियल चीजें कुछ भी बदल सकती हैं। तो 4 तारीख से स्टार्ट होगा, टोटल 12 वर्किंग देंगे। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे लिखा हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल डेट फॉर पीएचटी डीवी एंड डीएमई, ठीक है। अब ये न्यूज जो है वो बहुत सारे चैनल्स जो है वो दिखाएंगे आप सभी को, और उन चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सीआरपीएफ में है अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो भाई देखो उन पे नौकरी पे दिक्कत आ सकती है, नौकरी पे दिक्कत आ सकती है उनकी, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करें भाई। आप भी मेरे भाई हो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो सही अच्छी बात है, लोगों बच्चों की मदद कर रहे हो, मगर अपनी नौकरी पे ध्यान में रखना, क्योंकि बीएसएफ में एक एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा हो चुका है, वो इंफॉर्मेशन देते थे बताते थे, उनका चैनल ही उड़ा दिया, उनकी नौकरी पर बात आ गई थी, ठीक है। तो भाई अपना चैनल वगैरह देख के चलाया करो, ठीक है, कभी पता चल गया डिपार्टमेंट में किसी को पता चल गया तो फिर हो गया, आपके लेने देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ से अब नोटिस अब देखो मेरे चैनल से वायरल होगा और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से निकलेगा, उसके बाद पूरे सेंटर पे पूरे मतलब कि पूरे यूट्यूब पे वायरल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखो देखो मेरा बताने का मकसद क्या होता है, बस मेरा बताने का मकसद होता है कि आप पहले से तैयार हो जाओ मेरे भाई, आप पहले से तैयार हो जाओ, आप टाइपिंग की तैयारी देखो, क्योंकि देखो जो एडमिट कार्ड आएगा वो अचानक एडमिट कार्ड आएगा आप सभी का, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि आज सॉरी फ्राइडे को बोला था कि आ जाएगा, फ्राइडे को नहीं आया, तो सैटरडे संडे देख लेते 2 दिन और मंडे को देख लेते आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। मगर आपको एडमिट कार्ड आने पे क्या ही पता चलेगा, यही पता चलेगा ना सेंटर कहाँ पर है और किस दिन है आप सभी का। मगर आपको टाइपिंग पीएचटी डीवी ये तो उसी समय पता चलेगा ना कि आपका पीएचटी भी है, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। 2-3 दिन पहले से भी अगर कोई चीज़ पता चल जाती है तो बहुत अच्छी चीज़ होती है और बेनिफिशियल होती है, हम पहले और किसी और बच्चे से हम आगे ही तो रहेंगे। जो मेरी वीडियो नहीं देखता, मेरा चैनल नहीं देखता, उससे तो आप आगे ही रहोगे ना, क्योंकि आप देखते हो मुझे फॉलो करते हो। तो इस चैनल को फॉलो करने का आपका यही फायदा है कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिल जाती है, ठीक है। बाकी आप तैयारी करते रहो, टाइपिंग की तैयारी करते रहो, उसके साथ पीएचटी डीवी वगैरह भी। अब देखो आपके पास लोड बढ़ गया कि आपको पीएचटी भी करना है, डीवी भी करना है, सब कुछ करना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी तैयार हो जाओ, ये नोटिस वगैरह मैं टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी को मैंने दिखा भी दिया सब कुछ, डेट वगैरह सब कुछ बता भी दी। अब आपको लग जाना है और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है, ठीक है मेरे भाई। और देखो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 4 तारीख है आज, आप सभी की 25 तारीख हो ही चुकी है, 5 दिन यहाँ है और 3 दिन मान लो उधर है, तो केवल आपके 8 दिन बचे हुए हैं, आपके एडमिट कार्ड भी आ ही जाएंगे, परेशान मत हो एडमिट कार्ड के लिए। मैंने बोला था कि फ्राइडे को कंफर्म आ जाएगा और न्यूज़ थी, मगर अचानक ही पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बदलाव हो गया, आप देख सकते हो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस 24 तारीख का ही लेटर है, ठीक है। तो ये जान लो कि भर्ती आप सभी की बहुत जल्दी क्लियर करने वाले हैं, मतलब कि कुछ टाइम ही नहीं लेना उनको, भर्ती बहुत जल्दी क्लियर करना है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीएचटी डीवी डीएमई वगैरह के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप सभी के डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बना दूंगा, आप डॉक्यूमेंट वगैरह भी अपने तैयार कर लेना, ठीक है। टोटल कैंडिडेट की यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर बता भी दिया है, टोटल कैंडिडेट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ बता दिया है कि एससी मिनिस्ट्रियल में 65,819 कैंडिडेट है और 420 बंदे पर डे आ जाएंगे, यहाँ पर आपके 33 सेंटर होंगे और 4/12 से चलेगा, 16/12 तक चलेगा, टोटल 12 वर्किंग डेज होंगे आप सभी के, ठीक है। ये सारा प्रोसेस भी मैंने आप सभी को दिखा दिया, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों से शेयर किया करो मेरे भाई, आप सभी की हेल्प की बहुत जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि हमारी फैमिली बड़ी हो तो आपको शेयर तो करना पड़ेगा ना, तो वीडियो को शेयर किया करो, दबा के शेयर किया करो, दबा के लाइक किया करो और टेलीग्राम से जुड़ जाया करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लो, अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, और हमारे रात को 8 बजे मैथ की क्लासेस भी होती है तो मैथ की क्लास में भी आना मत भूलिएगा। चलिए अभी के लिए जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।